एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी नंबर दे रखा हो, इफ एनी नंबर इज गिवन टू यू एंड इफ यू आर टोल्ड टू फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, देन हाउ कैन यू फाइंड आउट द फैक्टर्स। आपको कोई संख्या दे रखी हो तो उस संख्या के जो सारे फैक्टर्स हैं वो किस तरह से निकालना है उसे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने ले रखा है 24, तो 24 से ही मतलब नहीं है। आप लोग अगर ये सीख लेते हो 24 का निकालना, तो किसी भी संख्या का फैक्टर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या नंबर है? 24, ठीक है ना, 24 इज इक्वल टू 1 × 24, ठीक है। ऐसे करना है आपको, एक से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर से लिखिए 24, 2 × 12, ठीक है। 2 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 24 इज इक्वल टू 3 × 8, 8 × 3 = 24। अब और निकालिए, फिर देखेंगे 4 से 4 × 6, 6 × 24। अब देखिए 5 से जाता है 24 नहीं, तो 6 से जाता है 6 × 24, ठीक है ना। अब यहाँ पे रुक जाइए, क्या करना है, क्यों रुक गए हम लोग, क्योंकि हमारे सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब के सब निकल चुके हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए 4 × 6 एंड 6 × 4, रिपीट हो गए ना ये दोनों नंबर। जहाँ पे भी नंबर्स रिपीट हो जाए वहीं पे स्टॉप करना है, यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ, और वहीं से आपको सारे फैक्टर्स लिख देने हैं। तो क्या करोगे, ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24 आर, सारे 24 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। देखिए 1, 2, 3, 4, 6, अब इधर से 4, 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 और 6 हमारे रिपीट हो चुके हैं, तो एक ही बार लिखना है, 4 भी एक बार 6 भी एक बार। अब फिर इसके बाद 8, 12 एंड 24, तो ये आपके सारे फैक्टर्स निकल गए किसके, 24 के। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका अपनाने लगते हैं लोग, अंदाजा लगाते रहते हैं, 1 में आता है 2 में आता है 3 में आता है, ये देखते रहते हैं। ऐसा नहीं देखना है आपको, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सेम रूल एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर, ओके। तो आप लोग मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको भविष्य में मिलती रहे, ओके। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।